मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से नीतीश की सकारात्मक बातचीत होने के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी मोर्चेबंदी की राह आसान होती हुई नजर आ रही है। जेडीयू नेताओं को लगने लगा है कि नीतीश कुमार देश के पीएम उम्मीदवार बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश का भव्य स्वागत, दिल्ली से लौटने पर फूलों की बारिश, 2024 के लिए जेडीयू का नया नारा, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ২০২৪ के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी काफी वक्त है, लेकिन इसे लेकर सियासी रणनीति बन चुकी है। चुनाव की तपिश अभी से ही चरम पर है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता के पैरोकार नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर उनका स्वागत हुआ। जैसे ही सीएम नीतीश की कार पार्टी कार्यालय के परिसर में पहुंची, वहां पहले से तैयार नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की गाड़ी पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश कर दी। सीएम के पहुंचते ही देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगने लगे। कार्यालय में पहले से तैनात बैंड पार्टी ने जब धुन बजाई तो माहौल और भी उत्सवी हो गया। बैठिए बैठिए। दरअसल जेडीयू ऑफिस में भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। नीतीश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि बात हो गई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ आ रही है, सब तैयार है, सभी सहमत हो गए हैं। कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है, सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है, और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे, और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे, तब इन लोगों को पता चल जाएगा। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले, तब आप समझ लीजिए कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। एक तरफ जहां जेडीयू सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने पर भव्य स्वागत कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हराने के लिए बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंडल अध्यक्ष को यदि केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री होगा, इतना जरूर मैं कहता हूँ, स्पष्ट है। इस बार का दिल्ली दौरा नीतीश कुमार के लिए बेहद खास रहा। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं से मुलाकात की। विपक्षी एकता के सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित दूसरे नेताओं से भी बात हुई। दरअसल नीतीश कुमार को पहले से ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। पिछले दिनों समाधान यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नारेबाजी होती रही। राहुल गांधी की ओर से नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के लिए काम करने की स्वीकृति मिलने से उत्साह और बढ़ गया है। यही वजह है कि जेडीयू नेता और कार्यकर्ता अभी से ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए पटना से आदित्य झा की रिपोर्ट।